देहरादून में हमारे ब्यूरो चीफ प्रतीप पाठक ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से भी खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों को विकसित करेंगे। कार्यालय में आज प्रदर्शनी लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। अगर देखा जाए तो हमारे साथ में मौजूद है पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज जी। सर, अगर देखा जाए तो एक बड़ी प्रदर्शनी है प्रधानमंत्री जन्म के दिवस पर लगाई गई है। सर, देखा जाए सेवा सप्ताह के नाम पर भी एक लगातार एक आयोजन भी हो रहा है। सर, किस तरीके से आप ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं और उसमें बुके दिए जाता है, बधाई दी जाती है। और मोदी जी का जो जन्मदिन पूरी पार्टी मना रही है, पूरा सेवा सप्ताह मना रहा है, इसमें उनके जो कार्य किए हुए हैं, जिन कार्यों में उन्होंने हर लेवल के व्यक्ति को छुआ है। अभी मैं प्रदर्शनी देख रहा था, इसमें वो अपने सिपाही को जो है मिठाई खिला रहे हैं, जो सीमा की रक्षा कर रहा है, तो हर लेवल को उन्होंने छुआ है। तो ये प्रेरणा लेने की बातें हैं। कभी वो आसाम में हैं, कभी वो सऊदी अरब में हैं, और जो विदेशों ने उनको जो सम्मान दिया है वो वास्तव में देखा जाए तो भारत का सम्मान है। और इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, इंडिया इज अ सुपर पावर। ये मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ऐसा लग रहा है। सर, अगर बात की जाए पर्यटन को लेकर, लगातार अगर देखा जाए टिहरी बांध एक माना जा सकता है एक पर्यटक का सबसे बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन सर अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमी है, पर्यटक कम जगह पर पहुंचते हैं और लगातार उत्तराखंड सरकार इस पर पहल करी, अब कुछ क्या आगे कुछ तैयारी रही? पर्यटन में हमारी चारधाम यात्रा बड़ी तेजी से चल रही है। पहले लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए कम आते थे और लोगों को था कि साहब हमारी धर्मशालाएं, हमारे होटल कैसे रिवाइव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से जिस प्रचुर मात्रा में जो पर्यटक आना शुरू हुए हैं, इससे काफ़ी हमारी अर्थव्यवस्था बुलंद हुई है, पुख्ता हुई है, मजबूत हुई है, और मैं समझता हूं कि आज पर्यटकों की कमी नहीं है। अब हमें उन पर्यटकों को डाइवर्सिफाई करना है, जिससे कि वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार बद्री के अलावा फिर वो रामनगर और कोटद्वार जैसे हमारा कॉर्बेट पार्क है, वहाँ पर भी जाएँ और भी स्थानों पर जाएँ। हम और भी सर्किट्स डेवलप कर रहे हैं, नौ ग्रह सर्विस डेवलप कर रहे हैं, पंच केदार है, पंच बद्री हैं, ये सब हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमारे और जो पर्यटक स्थल हैं, 13 जिले, 13 डेस्टिनेशन, उनको डेवलप करने के बाद हम यात्री से आग्रह करेंगे कि वो चार धाम के अलावा और जगह भी जाए और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें।